अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए, आज मैं बताती हूँ अम्मी की एक रेसिपी, तो बने रहिए। लाजमी में बोल। आज मेरे घर में बन रहा है खीर पूरी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ खीर पूरी की रेसिपी। यहाँ पे खीर बन रहा है। इस खीर मैंने जो दूध बनता है उसको अम्मी ने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक पहले बॉईल करके रख दिया था, और एक घंटा पहले अम्मी ने उसको बॉईल करके रख दिया था। उसके बाद मैंने चीनी डाल दिए, काजू डाल दिए, काजू को पेस्ट करके ना, उसके बाद धीमा करके छोड़ दिए। ये धीमा करके कितना देर रखा जाएगा? एक घंटा। ठीक है। अम्मी ने कहा कि अम्मी पहले उस दूध को ऑलमोस्ट 1 आवर तक बॉईल की, उसके बाद बॉईल करने के बाद उसमें अम्मी अरवा चावल था, कामनी चावल, उसको हम लोग यहाँ कामनी चावल बोलते हैं। कोलकाता में अरवा चावल का ही कुछ वैरायटी होता है, तो फिर अम्मी उसमें वो चावल डाली। 2.5 kg मिल्क था, जिसमें 250 चावल था। अम्मी ने उसे डाला और फिर उसे थोड़ा देर पकाया। उसके बाद 15 मिनट बाद उसमें अम्मी ने चीनी डाला। ऑलमोस्ट जितना राइस रहता है उतना ही चीनी डालते हैं, बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें चीनी डाल सकते हैं। और फिर अम्मी ने काजू जिसको जितना पसंद है, काजू और ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल सकते हैं। तो काजू अम्मी ने उसका पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के फिर उसमें काजू ऐड किया। और अब वो खीर ऑलमोस्ट 1 आवर तक धीमी आंच पे पकेगा, फिर जाके बनेगा अच्छा खीर, सुपर्ब, मेरी अम्मी के हाथ का। जा रहे हैं पूरी बनाने। पूरी के लिए आटा गूंथ के रखा हुआ है, बेल बेल के रखे हुए हैं, और यहाँ सलेहा पूरी छान रही है। सलेहा को बहुत दिन से खीर पूरी खाने का मन हो रहा था, सो अम्मी डिसाइडेड टू मेक इट टुडे। मैं जा रही हूँ मार्केट में, जो पर्स और वॉलेट और जो बेल्ट लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए, उसे चेंज करने के लिए। नहीं जाइएगा, जाइएगा, चलिए। मैं हूँ, अस्सलाम वालेकुम दादी। अस्सलाम वालेकुम मेरा बाबू। अस्सलाम वालेकुम बुआ। अस्सलाम वालेकुम नागिन। चलो प्लीज जल्दी रेडी हो जाओ। बाबू भी जाएगा, आप भी चलिएगा। चलिएगा आप, चलिए आप, चलिएगा। ठीक है, चल चल। बोले मम्मी, एक मम्मी को बोले जल्दी रेडी होने। पहले बोलिए आप चलिएगा कि नहीं चलिएगा, बोलिए जल्दी 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 चलिएगा। बोल नहीं चलेंगे, चलिए। ये ऑनलाइन मेरा ब्लॉग। कहाँ जा रहे हैं? श्रीरामपुर। कहाँ पे? सुपर मार्केट जा रहे हैं ना हम लोग। आप तो बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे थे कि सुपर मार्केट जा रहे हैं ना। ठीक है, सुपर मार्केट जा रहे हैं। पूछ लीजिए। पूछे कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे को? नहीं आवाज है ना इसके अंदर। हाँ, ट्रेन का सही में जाना बाबू मेरे। चलो बिलिंग करा ले। सब
ले लो। वन थ्री टू क्या लेगा बताओ। ये मेरा वाला ना देखिए ना, ये देखो देखो ये मेरा है देखो। तू बैलून नहीं हम तो बैलून से खेलेंगे, हमारा रान खेलेंगे ना यार। आ चुकी हूँ और काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने फिर सेल फोन उठाया और मैंने उनका अपने हस्बैंड का बेल्ट चेंज कर दिया। जो बेल्ट लेने गई थी उनको सिंपल चाहिए था। और एक बात ये भी है कि हम लोग वो मतलब मेरे फैमिली में स्पेशली और हम लोगों के बीच कुछ सरप्राइज जैसा नहीं रहता है। किसी को कोई भी गिफ्ट करते हैं तो हम लोग पहले पूछ लेते हैं उसको जिस चीज़ का ज़रूरत रहता है, तो या फिर याद रहता है कि हाँ उसके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर हम लोग वो चीज़ गिफ्ट कर देते हैं। तो वो सरप्राइज़ जैसा कुछ नहीं रहता है और मेरे पेट में तो वैसे भी कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। तो बस मैंने बेल्ट चेंज किया और फिर कल 26 जनवरी है तो फिर मैं उसके लिए कुछ केक के लिए कुछ सामान मैंने लिया। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो केक बनाऊँगी और फिर उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो टू बी कंटिन्यू विथ मी एंड सपोर्ट माई चैनल। और कल हो पाया तो इंशाल्लाह आई विल शेयर माई रेसिपी ऑफ बिरयानी। मैं जिस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ तो मैं वो शेयर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि मैं तो नहीं पर हाँ मेरी अम्मी वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि मैं बिरयानी अच्छा बना लेती हूँ। तो मेरी रेसिपी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़। फिर कल मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग्स के साथ। कल 26 जनवरी है। सो टाटा बाय बाय सी यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस।